अनियंत्रित होकर स्कूटी नदी में गिरी। डूबने से दो मौसेरी बहनों की मौत। ग्रामीणों ने एक शव निकाला, दूसरे की तलाश जारी। सराड़ा थाना के बाणा के समीप गोमती नदी पुल पर हुई है ये घटना। मृतका बड़गांव की ब्यूटी पार्लर संचालिका बताई जा रही है। बताया जाता है कि दुल्हन को तैयार करने को लेकर यह सुबह निकली थी। बाणा पुल पर यह हादसा हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। कई घंटों से दूसरे चचेरी बहन की तलाश जारी है। घटना स्थल पर सैकड़ों की भीड़ जमा है। सभी ग्रामीण अपने अपने तरीके से मशक्कत करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि स्कूटी सहित दो महिलाओं के गोमती नदी में गिरने की सूचना है। उसमें से एक का शव निकाला जा चुका है, दूसरे की तलाश जारी है। आज सुबह 5 से 6 बजे के बीच की यह घटना बताई जा रही है। सराड़ा थाना पुलिस मौके पर दूसरे की तलाश के लिए लगी हुई है और उनके साथ सैकड़ों ग्रामीण भी अभी मौके पर हैं। आपको बता दें कि घटना सराड़ा थाना क्षेत्र के बाणा एवं थरोड़ा के बीच गोमती नदी पुल पर असंतुलित स्कूटी सवार दो महिलाओं समेत नदी में गिरने की घटना बताई जा रही है। इस घटना में एक का शव मिल चुका है, दूसरी महिला का शव अभी भी खोजा जा रहा है। दूसरे की तलाश करीब सुबह 6 बजे से जारी है। थानाधिकारी अनिल कुमार विश्नोई मैं जापता हुआ सैकड़ों ग्रामीण मौके पर मौजूद हैं। मिली जानकारी के अनुसार बड़गांव निवासी जसोदा पत्नी परशुराम जोशी उम्र 38 वर्ष व रेखा जोशी पत्नी मुरली जोशी उम्र 40 वर्ष दोनों मौसेरी बहनें हैं। यह ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं और इसी काम को लेकर आज सुबह 6 बजे यह चावंड के लिए रवाना हुई थी और इसी दौरान बाणा के निकट गोमती नदी पुल पर यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि गोमती नदी के पर बने इस पुल पर कई हादसे हो चुके हैं। हालांकि अब तक इस तरह की मौत का मामला सामने नहीं आया है, लेकिन ग्रामीणों की माने तो यह पुल कई लंबे समय से क्षतिग्रस्त हैं। यहां पर एक तरफ पत्थर डाले गए हैं, पुल पर जगह जगह खड्डे हैं। ग्रामीणों की माने तो संभवतः इस पुल के क्षतिग्रस्त होने से सुबह स्कूटी असंतुलित होने की बात बताई जा रही है। गोमती नदी पुल क्षतिग्रस्त, पुल पर पत्थरों से असंतुलित होकर नदी में गिरने की सूचना बताई जा रही है। घटना स्थल पर नदी में 15 से 20 फीट तक पानी होने की भी बात बताई जा रही है। बताया जाता है कि जहां यह हादसा हुआ है वहां पानी काफी गहरा है। स्कूटी का कुछ हिस्सा वहां नजर आ रहा है। बताया जाता है कि ग्रामीणों के शोर मचाने के बाद ग्रामीण दौड़े और पुलिस के सहयोग से जसोदा का शव बाहर निकाला गया है और रेखा के शव की तलाश जारी है। दोनों बहनों का पीर सेरिया गाँव में बताया जा रहा है और निकट ही दोनों की शादी बड़गांव गाँव में करवाई गई। परमानंद जोशी ने बताया कि सुबह दोनों बहनें चावंड जा रही थी, इसी दौरान यह हादसा हुआ है। बताया गया कि पुल क्षतिग्रस्त है और पुल पर पड़े पत्थरों से टकराने की संभावना बताई जा रही है। दोनों बहनें नदी में गिरने के बाद एक का शव निकाला गया है। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ।